अकॉर्डिंग टू साइंटिस्ट, आज से करोड़ों साल पहले जब हमारी खूबसूरत सी प्लेनेट अर्थ आग का एक गोला थी, उस समय हमारी पृथ्वी अपने एक्सिस पर 7 घंटे में एक बार रोटेट कर रही थी। यानी कि उस समय 24 घंटे की बजाय 7 घंटे का दिन और रात होता था। तो आप सोच सकते हैं कि पृथ्वी अपनी एक्सिस पर, मतलब कि अपनी धुरी पर कितनी तेजी से घूम रही होगी। उस टाइम पे एक एस्ट्रॉयड अपनी पृथ्वी से टकराया था। उस भयंकर टक्कर की वजह से पृथ्वी के न जाने कितने टुकड़े आसमान में फैल गए और हमारे अर्थ के चारों ओर रोटेट करने लगे। लेकिन हमारे अर्थ की ग्रेविटी की वजह से सारे के सारे टुकड़े लगभग पृथ्वी में समा गए। सिर्फ एक टुकड़ा ऐसा बचा था और जो शेप और साइज में बस थोड़ा सा बड़ा था और पृथ्वी से कुछ डिस्टेंस पर था। दैट्स वाई हमारी अर्थ उस टुकड़े को अपनी ग्रेविटी से नहीं खींच पाई और वो टुकड़ा पृथ्वी के चारों ओर परिक्रमा करने लगा। ये वही टुकड़ा था जिसे हम आज चांद बोलते हैं। चांद के बनने की वजह से पृथ्वी की अपने धुरी पर घूमने की रफ्तार थोड़ी कम हुई है और उसके बाद पृथ्वी 24 घंटे में एक बार अपने एक्सिस पर घूमने लगे। इसका मतलब चांद कुछ और नहीं बल्कि हमारी अर्थ का ही एक टुकड़ा है, पीस है। तो फ्रेंड्स, ऐसा क्या रीजन है जिसके थ्रू हमारे अर्थ पर एटमॉस्फियर है लेकिन चांद पे नहीं, जबकि चांद भी तो एक अर्थ का ही पार्ट है, टुकड़ा है। क्या हम चांद पर भी अर्थ जैसा एटमॉस्फियर बना सकते हैं? तो आज के इस लेक्चर में हम इसी को जानेंगे कि हमारे अर्थ पर एटमॉस्फियर क्यों है और चांद पर वही वायुमंडल क्यों नहीं है। तो फ्रेंड्स, इसका मेन रीज़न है ग्रेविटी। अर्थ पर ग्रेविटी 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। इस वजह से कोई भी ऑब्जेक्ट पृथ्वी के ग्रेविटेशनल फील्ड, मतलब गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र से बाहर निकलता है तो उसका वेग, मतलब वेलोसिटी 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड या इससे अधिक होना चाहिए। और अगर किसी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड से कम है तो ऑब्जेक्ट अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर नहीं निकल पाएगी, जिसे हम एस्केप वेलोसिटी कहते हैं। पृथ्वी के चारों ओर फैले वायुमंडल में, मतलब एटमॉस्फियर में, गैस के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनका वेग लगभग 3.8 किलोमीटर पर सेकेंड के बराबर या उससे थोड़ा सा ज़्यादा होता है, जो कि 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड से काफ़ी कम है। इस वजह से गैस के मॉलिक्यूल्स अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर नहीं जा पाते। यही कारण है कि पृथ्वी पर वायुमंडल बना रहता है। बट इसके जस्ट अपोजिट चांद पर ग्रेविटी काफ़ी कम होती है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि किसी भी ऑब्जेक्ट की ग्रेविटी उसके द्रव्यमान यानी कि मास पर डिपेंड करती है, निर्भर करती है। चांद का द्रव्यमान, मतलब मास, पृथ्वी की तुलना में काफ़ी कम है। दैट्स वाई चांद पर ग्रेविटी भी काफ़ी कम है। इसी कारण से चांद के ग्रेविटेशनल फील्ड, मतलब कि गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र से बाहर निकलने के लिए कम से कम 2.38 किलोमीटर पर सेकेंड का वेग होना चाहिए। और हम जानते हैं कि गैस के मॉलिक्यूल्स का वेग यानी वेलोसिटी अप्रॉक्सीमेटली 3.8 किलोमीटर पर सेकेंड के आसपास होता है, जो कि चांद की एस्केप वेलोसिटी यानी कि पलायन वेग से ज़्यादा है। इस वजह से गैस के अणु चांद के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र से, मतलब ग्रेविटेशनल फील्ड से, आसानी से बाहर निकल जाते हैं। इसलिए चांद पर एटमॉस्फेयर बन ही नहीं पाता। मतलब कि हम सीधे शब्दों में कह सकते हैं कि हमारे अर्थ पर जो भी ग्रेविटेशनल फील्ड है वो उसके बाहर पाए जाने वाले टुकड़ों की वजह से है, मतलब मॉलिक्यूल्स की वजह से है, जो कि उसके ग्रेविटेशनल फील्ड से कांटेक्ट हो करके वो बाहर नहीं जा पाता और वो प्रॉपर वे में एटमॉस्फेयर अर्थ को देता रहता है, जिसके कारण अर्थ पर पाए जाने वाले सभी जीव एक सही अमाउंट में एनर्जी को अपने अंदर समाहित करते हुए अपने जीवन को चला सके। लेकिन वही अगर हम चांद की बात करें तो चांद के जो भी मॉलिक्यूल्स उसके आसपास हैं वो अपने ग्रेविटेशनल फील्ड से हमेशा बाहर निकल जाते हैं और अर्थ की तरह वो ग्रेविटेशनल फील्ड वाली एटमॉस्फेयर को प्रिपेयर नहीं कर पाते हैं। दैट्स वाई कि चांद पर वो एटमॉस्फेयर नहीं है जो हमारे अर्थ पर है। तो फ्रेंड्स, हम चांद पर अर्थ जैसा वायुमंडल नहीं बना सकते, चाह कर भी बना नहीं सकते।
आई होप कि आपको ये समझ में अब आ गया होगा कि हम चाँद पर वैसा एटमॉस्फेयर क्रिएट क्यों नहीं कर सकते। देन अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो बहुत अच्छी बात है, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।